राम राम किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे दुबे कृषि फार्मिंग में। और लगभग 1.5 महीने बाद हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं, अपने बैंगन के फार्म में हैं और इनको रखे हुए हमें लगभग 1.5 महीने से थोड़ा सा अधिक हो चुका है और हम इनको दिखा रहे हैं कि ये कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। ये हमारे बैंगन के पौधे हैं जो काफ़ी फूल में है और 4-5 दिनों से पिछला मौसम ख़राब है, हर दिन बरसात हो रही है। अभी थोड़ी बरसात हुई, आज 23 सितंबर है और 4-5 दिनों से ये मौसम ख़राब है जैसा, लेकिन बैंगन स्टार्ट हो चुके हैं इसमें और रोग भी इसमें काफ़ी आया था लेकिन अब भी है, आप देख सकते हैं। ये है इधर में इनको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, इसमें दवाई भी डाल रहे हैं। काफ़ी संख्या में रोग आया था इसमें और इसमें हमने कोराजन है और दूसरी अन्य दवाइयों का भी इसमें प्रयोग किया था, लेकिन अब थोड़ा इतना अधिक नहीं है, कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी है अभी। और काफ़ी संख्या में इसमें फूल लगे हुए हैं, संख्या में फूल हैं, छोटे छोटे बैंगन हैं लग चुके हैं इसमें। काफ़ी अच्छी हाई यील्ड वैरायटी है, आप देख सकते हैं ये बैंगन लगे हुए हैं इसमें। और इसमें हमने प्रयोग किया था, जैसे कि ये वैरायटी का नाम बता देता हूँ मैं, इसका नाम है VNR मुक्ता मोती और फूल इसमें बहुत है, ज़बरदस्त है। अन्य वैरायटियों की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो इसमें फूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फूल। अब देख सकते हैं जी किस तरीके से इसमें फूल लगे हुए हैं, छोटे छोटे बैंगन भी हैं जो निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, 1-2 ये छोटे छोटे बैंगन निकले हुए हैं। देखिए इसमें छोटा सा पेड़ है ये है, इसमें एक बैंगन ये है, ये छोटे छोटे झुर्रों के रूप में हैं लगे हुए हैं। अब छोटा सा पेड़ है इसमें 1-2-3-4-5-6, बहुत बहुत ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी है। पिछली बार मैंने VNR 212 किया था जो थोड़े लंबे टाइप में है और हमारे यहाँ थोड़ा आगे क्षेत्र में चलता नहीं है वो, लेकिन इस बार उसी VNR की मुक्ता मोती को मैंने किया है और ये राउंड में है, इतना लंबा नहीं है ये, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये है, ये बिल्कुल इसका कलर भी अच्छा है। और ये बेसल डोज के तौर पर मैंने इसमें DAP यूरिया और पोटास प्लस भूमिका की जो जैम आती है एग्रोस्टार से मैंने मंगाया था उसको, वो भी ये डाला था इसमें। और जो तना छेदक है और फल छेदक के रूप में कोराजन और 2-3 दवाई थी उनका भी प्रयोग किया था इसमें मैंने। अभी मंडी मैंने नहीं की है, हवा हालांकि डाउन थोड़ा सा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फल इतना दिक्कत आता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अन्य एक वैरायटी और थोड़ी से 1-2 क्यारी मैंने की है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, ये वाली, इसमें फूल बहुत कम है, इक्का दुक्का, ये काफ़ी बड़े पेड़ हैं और फूल बहुत कम है इसमें, ये देख सकते हैं फूल नहीं है इसमें, बहुत कम है। और इस VNR मुक्ता मोती में फूल तो लगे हुए हैं, मतलब पौधे अब एक एक पेड़ में आप 50-50, 100-100 फूल बिल्कुल खिले हुए हैं फूल, और इनमें सब में फूल आने वाला। अभी 3-4 दिन से ये मौसम ख़राब है, मौसम जैसे ही खुलेगा वैसे ही फल पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फल लगे हुए हैं कहीं कहीं और झुर्रों के रूप में लगते हैं, सबसे बड़ी बात यह है इसकी, 3-3, 4-4 गुच्छों के रूप में है। अब ये देख सकते हैं आप किस तरीके से फल लगे हुए हैं, ये बैंगन है, अब एक पेड़ है ये, इसमें काफ़ी है, अब एक ये उस पर 3 लगे हुए हैं, ये 3 लग रहे हैं और भी हैं इसमें, अब 1-2-3-4-5 बैंगन है इसमें एक ही पेड़ में, बड़े बड़े हैं और काफ़ी संख्या में फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत हैं फूल लगे हुए हैं बिल्कुल चोटियों पर लगे हुए हैं फूल।
कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बढ़िया वैरायटी है और फल भी अच्छा है इसका। देखिए एक ही जगह तीन तीन, ये बस इसकी सबसे बड़ी विशेष बात यही है कि इसमें गुच्छों के रूप में जो फल आते हैं बैंगन लगते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में हाई यील्ड है। अभी स्टार्टिंग है, अभी मैंने इसकी ज़्यादा तुड़ाई नहीं की, अपने घर के लिए साग सब्जी के लिए तुड़ाई की है। जब मौसम साफ़ होगा तो इस साइड में मैंने भिंडी भी लगा दी थी अपने घर के लायक, इसमें भिंडी भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, जो अपने घर के खर्चे के काम आ जाते हैं। काफ़ी लंबी भिंडी है, अच्छी है ये भिंडी भी अच्छी है। कौन सी वैरायटी है वो ध्यान नहीं रहा इसका, पता काफ़ी अच्छे हैं इसमें। और रोग भी है इसमें, रोग के मैं कोराजन दे रहा हूँ, इसको तोड़ के फेंक देना चाहिए ये है। और जो भी बैंगन के किसान हैं खेती करने वाले हो इस वैरायटी को कर सकते हैं, ये चलेगा अपने क्षेत्र में। बस सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें रोग बहुत आता है बैंगन में, सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो इस तना छेदक और फल छेदक जो है इसी में होता है। वो और इधर मैंने पूरा एक 1.5 बीघे का प्लांट था, लेकिन पौधे ख़राब हो जाने से ये थोड़े ही रह गए, लेकिन फिर भी हैं 1-10 बीघे में बैंगन हैं अभी ये हमारे। और जैसे भी होगा आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय जवान और जय किसान। काफ़ी अच्छा है ये, धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।